अब हम बात करने जा रहे हैं कि हमें Amazon की आईडी बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहले तो एक चीज़ ये क्लियर कर लें कि Amazon की आईडी दो तरह की होती है, एक होता है बायर अकाउंट और एक होता है Amazon का सेलर अकाउंट। हम मेनली बात करने जा रहे हैं Amazon सेलर अकाउंट की। बायर अकाउंट तो बड़ी आसानी से बन जाता है, बस अपना ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर आप देते हैं और आपका बायर अकाउंट बन जाता है अगर आपने Amazon से कोई चीज़ खरीदनी है तो। अब इस पे हमारा ज़्यादा ताल्लुक इस चीज़ से नहीं है कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमने कहाँ यूके यूएसए से या क्यों खरीदनी है, हमें हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि बायर अकाउंट आप आसानी से जाके Amazon पे जाएंगे, सिंपली amazon.com पे या amazon.co.uk पे, और वहाँ पे अपना अकाउंट बना लेंगे। बड़ी आसानी से आप ईमेल एड्रेस डालेंगे, उस पे कोड आएगा, आपका अकाउंट बन जाएगा। हम बात करने जा रहे हैं कि जब हमने Amazon पे बेचना है तो बेचने वालों का अकाउंट अलग होता है, उसको कहते हैं सेलर सेंट्रल। तो आप जाएंगे sellercentral.amazon.com पे या सिंपली गूगल पे जाके लिखेंगे Amazon सेलर अकाउंट। अब सेलर अकाउंट हर मुल्क के लिए अलग अलग होता है, बन एक ही आईडी पे जाता है, ये हम जब मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा तब हम सीख लेंगे। लेकिन Amazon यूके के लिए होगा sellercentral.amazon.co.uk और अमेरिका के लिए होगा sellercentral.amazon.com। इस तरह हर मुल्क के लिए जो भी उनका वेबसाइट है उसके हिसाब से होगा। अच्छा, सेलर अकाउंट के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? बिल्कुल बेसिक चीज़ें। सबसे पहले आपको पासपोर्ट या आईडी कार्ड, दोनों में से एक चीज़ चाहिए। सेकंड नंबर पे एक ईमेल एड्रेस आपको चाहिए और एक आपको मोबाइल नंबर चाहिए जिस पे कोड आएंगे और जो आपके अकाउंट से लिंक होगा। अगली रिक्वायरमेंट इसके अंदर होगी, आपको एक बिल चाहिए होगा, यूटिलिटी बिल, जहाँ भी आप रह रहे हैं, जो भी आपका एड्रेस है। एक आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए और एक आपको क्रेडिट या डेबिट कार्ड चाहिए। सिंपल सी चीज़ें। बैंक स्टेटमेंट उन्होंने पैसों के लिए नहीं देखनी, वो सिर्फ आपके प्रूफ ऑफ एड्रेस और इस चीज़ के लिए कि आपका वाकई अकाउंट है, बस वो सिर्फ अकाउंट के प्रूफ के लिए। इवन Amazon आपको ये कहता है कि अगर आप अपनी स्टेटमेंट छुपाना चाह रहे हैं तो आप स्टेटमेंट निकलवाएं और सारा ब्लर कर दें नीचे से जो आपके ट्रांजेक्शन है। Amazon को सिर्फ ऊपर का हिस्सा चाहिए, आपका नाम, अकाउंट नंबर, एड्रेस, उन्होंने उसको वेरीफाई करना है। आपकी स्टेटमेंट या आपकी ट्रांजेक्शन से Amazon का कोई लेना देना नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाते हैं तो आप Amazon की सेलर आईडी बना सकते हैं। अब आ जाती है वो बात कि जो हम लोग सुनते आ रहे थे, Amazon पाकिस्तान में आ गया है, आईडी के लिए आ गया। बिल्कुल, अब आपकी आईडी पाकिस्तान से बैठ के बन सकती है। आप अपने पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, पाकिस्तानी पासपोर्ट लगाएंगे, पाकिस्तानी बिल लगाएंगे, पाकिस्तानी बैंक स्टेटमेंट होगी, पाकिस्तानी डेबिट या क्रेडिट कार्ड होगा। क्रेडिट कार्ड प्रेफरेबल है, डेबिट कार्ड्स में मसला आ जाता है, बाज दफ़ा किसी बैंक का यूज़ हो जाता है, किसी का नहीं होता। लेकिन जो असल Amazon की रिक्वायरमेंट है वो क्रेडिट कार्ड है, लेकिन लोग डेबिट कार्ड भी यूज़ करते हैं, कुछ बैंक्स का हो जाता है, तो Amazon को उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, जब आपने ये सब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लिए ना, तो अब आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका आईडी कार्ड नया वाला होना चाहिए, जो चिप वाला आईडी कार्ड है, कंप्यूटराइज, जिसमें इंग्लिश में भी आपका नाम लिखा होता है। सिर्फ उर्दू वाला यहाँ पे नहीं चलेगा। पासपोर्ट तो चले, होता ही इंग्लिश में, वो तो चल जाएगा। बिल वगैरह भी इंग्लिश में आते हैं, वो भी चल जाएंगे। तो अगर आपने अपना आईडी कार्ड यूज़ करना है तो आपको नया इंग्लिश वाला आईडी कार्ड बनवाना होगा। अच्छा, अब हम इसमें जो आपने कार्ड पे खास ख्याल रखना है कि कार्ड आपका मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड होना चाहिए, जो आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड होगा, क्योंकि उसके अंदर दूसरे कार्ड्स पे कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं। और आप लोगों ने ये लेक्चर देखने के बाद प्लीज़ आईडी क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी। मैं आपको अगली वीडियो में ये पूरा काम करके दिखाऊंगा उसके बाद, और उसके बाद भी हमें ज़रूरत नहीं है। ये अभी आप ये चीज़ सीख रहे हैं। ये आईडी उन लोगों को चाहिए जिन्होंने Amazon पर बेचना है। हाँ, आप अपने क्लाइंट के लिए आईडी बनाएंगे तो इसलिए आपने अपना पासपोर्ट या अपने आईडी कार्ड पे आईडी बना के ज़ाया नहीं कर लेनी, क्योंकि अगर आपने कोशिश कर ली और मसला आ गया और सस्पेंड हो गई तो आपके नाम पे दोबारा आईडी नहीं बनेगी Amazon। तो इसलिए आपने जब प्रैक्टिस भी करनी है तो मैं आपको खुद प्रैक्टिस करके बताऊंगा कि आपने कैसे प्रैक्टिस करनी। अपनी आईडी आप लोगों ने नहीं बनानी, आप लोगों ने जो अपनी आईडीज बनानी होगी एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, एज अ फ्रीलांसर, वो अपवर्क और फाइवर पे बनानी होगी, जो हम एंड पे जाके सीखेंगे। तो ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए होगा सब कुछ, कि आप अपने क्लाइंट आपका आ जाता है, वो कहता है जी मैं बिल्कुल जीरो से हूँ, तो ये ले मेरा पासपोर्ट चीज़ है, मुझे आईडी क्रिएट करके दें। तो जी, हम अगली वीडियो में आईडी क्रिएट करना सीख लेंगे।